वर्सेस उस्मान बुज़दार साहब। बिलावल ज़रदारी साहब ने बड़ा लहक लहक के, चहक चहक के और महक महक के जनाब जो तकारीर की दो गुजरांवाला में और कराची में, उसमें साहब बहादुर गुजरांवाला में पंजाब में खड़े होके कहते हैं 200 रुपये किलो अंडे हो गए और 200 रुपये दर्जन टमाटर हो गए। माँ सदके जाए, अपने पल्ले से खाया हो कभी, पल्ले से ख़रीदारी की हो तो इनको पता हो कि दर्जन में क्या चीज़ें आती हैं और किलो में क्या आती हैं। यहाँ से पता चल गया कि साहब बहादुर पाकिस्तान के रहनुमा नहीं हैं, शायद किसी मरीख के या प्लूटो के किसी ज़मीन के या किसी खित्ते के जनाब रहनुमा हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने तनकीद की। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस के जितने अफराद शहीद हुए कोरोना वायरस से, जितनी अमवात हुई, उसकी 40% तादाद जो है वो सिंध से है, 40% तादाद। और सिंध पंजाब का आधे से भी कम है, आबादी के हवाले से भी और जोग्राफी के हवाले से भी। दूसरी तरफ पंजाब के अंदर जो अमवात हुई वो सिंध के 50% से भी कम हुई। सिंध की जो टोटल अमवात हुई उससे 50% से भी कम हुई। पहला तजिया तो कोरोना वायरस के इशू के ऊपर ही कम अज़ कम जो परफॉर्मेंस है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े वाज़े तौर पे अपनी हेयरिंग के दरमियान काबिले एहतराम फाजिल जजों ने पंजाब हुकूमत को अप्रिशिएट किया कि पंजाब हुकूमत कोरोना वायरस को फैलाव को कंट्रोल करने के हवाले से और कोविड-19 के ख़िलाफ़ जंग में उनकी जद्दोजहद मसाली थी। पहला तो ये फ़र्क पता लग जाता है, पंजाब हुकूमत वर्सेस सिंध हुकूमत, उस्मान बुज़दार साहब वर्सेस आपके मुराद अली शाह साहब। और पहली चीज़ ये भी जहन में रख लें, मुराद अली शाह साहब पिछले कई सालों से, बल्कि दो दहाइयों से सिंध असम्बली के मेंबर चले आ रहे हैं और वजीर, पहले वजीर ख़जाना थे और अब पिछले तकरीबन कोई 5-6 साल से वजीर आला है। दूसरी तरफ वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब पहली दफ़ा MPA बने हैं और पहली दफ़ा वजीर आला बने हैं। ये चीज़ अपने जहन में रख के जब आप ये एनालिसिस में आपके सामने रखूँगा तो आपको चीज़ समझ आ जाएगी। कोरोना वायरस के हवाले से आपके सामने आ गया, पंजाब के अंदर पिछले साल गंदम की प्रोक्योरमेंट वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़ियादत में बेहतरीन तरीके से जो टारगेट था उसको अचीव किया गया और अपनी परफॉर्मेंस बेहतरीन तरीके से दी गई। सिंध के अंदर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की क़ियादत में 0% सरकारी ख़रीदारी थी और प्रोक्योरमेंट थी, 0-0-0, एक दाना नहीं ख़रीदा। ये एनालिसिस भी आपके सामने। फिर सिंध के अंदर पिछले साल 5,00,000 टन गंदम पास्को ने रखी थी सिंध के लिए कि उन्होंने खरीदनी है। इस साल फरवरी तक जब तक आटा बहरान ना पैदा हो गया, जब तक JIT ना बन गई, जब तक मीडिया के अंदर, अपोजिशन के अंदर छितर और लितर पड़ना नहीं शुरू हो गए, सिंध हुकूमत ने उस वक्त तक एक दाना नहीं खरीदा था पास्को से, 5,00,000 टन में से एक दाना भी। और फिर जब ये सब कुछ हुआ तो फरवरी के अंदर भागम भाग 5,00,000 टन में से 2,00,000 टन गंदम इन्होंने खरीदी। ये आपके सामने तकाबली जायजा आ गया कि उस्मान बुज़दार साहब कितने अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, जो पहली दफा वजीर आला बने हैं और पहली दफा MPA, और आपके मुराद अली शाह साहब कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद इस साल पंजाब ने 10 साल की तारीख का सबसे बेहतरीन टारगेट सरकारी गंदम की खरीदारी का, 41,00,000 टन, 91% जो टारगेट तय हुआ था उसका 91% अचीव किया। दूसरी तरफ सिंध ने 12,50,000 टन गंदम इस साल सरकारी खरीदारी की। लेकिन साथ एक और चीज आपके सामने रख दूं, पंजाब ने पूरा सिंध, पूरा KPK, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर सबको फैसिलिटेट करते हुए सरदार उस्मान बुज़दार साहब की वजारत आला में उन्होंने आज से तकरीबन 3-3.5 माह पहले 7 जुलाई से 17,000 टन से लेके 30,000 टन डेली गंदम फ्लोर मिलों को
रिलीज करना शुरू की ताकि पाकिस्तान के अंदर आटे का बहरान ना आए, पंजाब के अंदर आटे का बहरान ना आए, और 5 अरब रुपया महाना सब्सिडी इसके ऊपर दे रहे हैं। दूसरी तरफ 12.5 लाख टन गंदम इस दफा अचीव करने के बावजूद एक गंदम का दाना भी 20 तारीख तक परसों तरसों तक इंटेंशली पर्पजली विलिंगली जानबूझ के पाकिस्तान के अंदर पीटीआई की हुकूमत को, इमरान खान साहब को डिग्रेड करने के लिए, रिप्रोच करने के लिए, बदनाम करने के लिए, आटे का बहरान पैदा करने के लिए उस 12.5 लाख टन गंदम में से एक दाना भी फ्लोर मिलों को रिलीज नहीं किया गया आज से 3 दिन पहले तक, और अभी तक का भी मुझे नहीं पता कि रिलीज शुरू की कि नहीं की। दूसरी तरफ सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क्यादत में पूरे पाकिस्तान को गंदम के बहरान से बचाने के लिए पंजाब हुकूमत यह कर रही है। एक तो यह परफॉर्मेंस आपके सामने। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, सरदार उस्मान बुज़दार साहब की वजारत आला 2.25 साल भी पूरे नहीं हुए, गन्ने के काश्तकारों को पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा पंजाब के अंदर बेहतरीन अदायगियां शुरू हुई, बेहतरीन अदायगियां, और इस साल 99% अदायगी हो चुकी है। सरदार उस्मान बुज़दार साहब वजीर अला पंजाब और पंजाब हुकूमत की सुपरविजन में, और इससे पहले के हालात ये थे कि पंजाब के अंदर अरबों रुपए की आउटस्टैंडिंग जो है ना वो बाकी थे, और काश्तकार जो है वो गन्ने के रुलते फिरते थे, और आले शरीफ की शुगर मिलों के चक्कर लगा लगा के 180 रुपया रेट रख के 130-130 रुपए मन के हिसाब से जो है वो उनको ब्लैकमेल करके, उनको जनाब टॉर्चर करके, उनको फाइनेंशियली डिग्रेड करके काश्तकारों से गन्ना लिया जाता था, और सोने पे सुहागा, फिर भी अदायगियां नहीं करते थे। ये ऑन रैकेट बात है, लेकिन पंजाब के अंदर इन 2 सालों के अंदर 99% अदायगियां हुई हैं, और 230-230 रुपए मन, 200-200 रुपए मन के हिसाब से जनाब गंदम की, गन्ने की जनाब काश्तकारों को। मैं चैलेंज देता हूं आज अभी मेरे उसके बाद मुर्तजा वहाब साहब और सईद गनी साहब आए और अपने फैक्ट्स पेश करें कि गन्ने के खरीदारों की, गन्ने के काश्तकारों की कितनी अदायगियां सिंध ने जनाब, कितने परसेंट जनाब वो उनके आउटस्टैंडिंग जनाब पे कर दिए हैं, अरबों रुपए आपको नजर आएंगे। ये फर्क भी आपके सामने बड़ा क्लियर कट। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो अगला इशू में आपसे सिंध आईजी का मामला डिस्कस करूंगा, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब जो बड़ा अपने आप को जनाब एक्टिव इफेक्टिव विजिलेंट वजीर आला के तौर पे पेश करने की नाकाम कोशिश करते हैं, और अरबों रुपए का उनके DGPR के अंदर बजट रखा हुआ है एड्स के जरिए से, बाकी चीजों के जरिए से, आईजी सिंध के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बर्मला कहते हैं कि बड़ा गलत हुआ जनाब मजारे कायद पे, और साथ ही कहते हैं जनाब आईजी सिंध जनाब हमारे कंट्रोल में नहीं। इसका मतलब है तुम अपने मुंह से मान रहे हो कि आप नाअहल हो, आप निकम्मे हो, आपसे आपका आईजी जो है वो संभाला नहीं जा रहा। तो मैं ये समझता हूं कि बिलावल जरदारी साहब 200 रुपए किलो अंडों वाली सरकार और 200 रुपए दर्जन टमाटरों वाली सरकार, आप तकरीर शुरू करते हैं तो उस्मान बुज़दार साहब और पंजाब हुकूमत की तरफ निगाह उठाने से पहले या इस तरह एक उंगली उठाने से पहले 4 उंगलियां जनाब अपनी हुकूमत, अपने मुराद अली शाह साहब और अपनी सिंध हुकूमत के जो 13वां साल पूरा कर रही है लगातार वहां के हालात जरा, ये सिर्फ चंद एक मैंने बताया, यहां 7500 मैं आपको बता सकता हूं, थर के सालाना 10,000 बच्चों की अमवात से लेके अंदरून सिंध के अंदर जनाब बौले कुत्तों का काटने के टीके ना होने से लेके और इस तरह की 7500 चीजें हैं, लेकिन मैंने छोटा सा नक्शा पेश किया है। आइंदा मुझे उम्मीद है कि 200 रुपए किलो अंडों वाली सरकार जो है वो बात करने से पहले 100 दफा सोचेगी। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट मामला मजारे कायद की और बाबाए कौम की बेतौकीरी, लेकिन मैं हैरान हूं, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था हादसे से बड़ा सानहा यह हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर, इन्हें सफदर आवान की बेतौकीरी के ऊपर चीख रहे हैं ये मिक्स 4 पार्टी, और मैं हैरान हूं सुबह 9 बजे स्टार्ट करते हैं, शाम के 6 बजे तक जब तक टॉक शो स्टार्ट नहीं हो जाते, ये रोजाना पिछले कई हफ्तों से आप देख रहे हैं मिक्स 4 पार्टी की 8 से 12 लीडर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं।
और रोना क्या है? अभी कहते हैं चादर चार दीवारी डिस्टर्ब हो गई, बाबाए कौम की कोई इज्जत नहीं है, बाबाए कौम का कोई वकार नहीं है, बाबाए कौम की कोई डिग्निटी नहीं है, बाबाए कौम की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, बाबाए कौम का कोई ताल्लुक नहीं है 22 करोड़ पाकिस्तानियों से, बाबाए कौम की कोई अफेक्शन नहीं है 22 करोड़ पाकिस्तानियों से, बाबाए कौम की कोई एफिलिएशन नहीं है 22 करोड़ पाकिस्तानियों से, बाबाए कौम का पाकिस्तान की आवाम के साथ कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान में अगर कोई हीरो है तो वो सर फिरा पागल जो है वो सफदर अवान है, उसकी बेतुकीरी हो गई, हाय 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 स्यापा पै गया। और दूसरा वो आईजी सिंध की बेतुकीरी हो गई जी, बिल्कुल जनाब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आईजी सिंध की बेतुकीरी हो गई जी, क्यों? कि उस आईजी सिंध ने आपकी तौकीर कायम करने के लिए ओमनी ग्रुप के करप्शन केसेस के अंदर आपको फैसिलिटेट किया था, और इसी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उसको सीसीपीओ कराची के ओहदे से हटवाया था। अगर उसने आपकी बेतुकीरी होने से बचाया था तो आपकी बला से कि बाबाए कौम की बेतुकीरी हो, बाबाए कौम के मजार की बेतुकीरी हो, आपने तो पहरा देना है ना आपने उस आईजी सिंध की बेतुकीरी का, वो तो आगे आ जाके मैं बताऊंगा कि बेतुकीरी हुई कि नहीं हुई, लेकिन जो आपने ड्रामा बनाया हुआ है आईजी सिंध की बेतुकीरी हो गई, बिल्कुल जनाब आईजी सिंध आपका जर खरीद गुलाम, आपकी करप्शन बद्यांती दो नंबरी टकेमारी पैदागीरी नौसरबाजी अकरवा परवरी मनी लॉन्ड्रिंग और टीटीस के अंदर जनाब आपको सपोर्ट करता था, उसकी बेतुकीरी तो आपको नहीं चाहिए। कायदे आजम साहब का क्या है? बकौल आपके शर्म का कोई इनके पास मैं समझता हूं कि पैमाना नहीं है। चार दिन गुजर गए हैं, किसी मिक्स अचार पार्टी के इंग्रेडिएंट को लीडर को इखलाकी जरूरत नहीं हुई कि यार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले कम अज कम कौन से माफी मांग लो कि वाकई गलत हुआ। हम इस पर शर्मिंदा, स्पेशली नून लीग मीम लीग किसी से अभी तक, और अब ड्रामा क्यों मचा रहे हैं ये आईजी सिंध? क्या बुनियादी एजेंडा एक है, जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कमेटी बना दी या कोर कमांडर कराची को कहा कि फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट दो, उसके बाद दुख बनती है कि आप ड्रामेबाजियां करें। 9 बजे स्टार्ट होते हैं पिछले 4 दिन से, आप देखेंगे रात के 6 बजे तक बड़ी बेहरमती होगी जी सफदर अवान की, बड़ी बेहरमती होगी जी आईजी सिंध की। बुनियादी एजेंडा है पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के अदारों को प्रेशराइज करना, नाकाम कोशिश, नाकाम दबाव लाने की, सिर्फ अपने करप्शन के केसेस अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस से तवज्जो हटाने के लिए, और इनकी गलतफहमी है कि कोई बार्गेनिंग करने के लिए नहीं। जनाब मैं आज 2-3 बातें करूंगा जो शायद अभी तक 4 दिनों में किसी ने नहीं की होंगी। पाकिस्तान के लीडिंग टीवी चैनल्स के अंदर सफदर अवान साहब के वीडियो ऑडियो क्लिप्स मौजूद हैं जिसपे वो कहते हैं कि मुझे तो अपनी बेगम साहिबा से मुलाकात करने के लिए कई कई हफ्ते टाइम लेना पड़ता है। ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, ये क्लिप्स जो है ना वो आप चलाएं। मैं दावे से कहता हूं जिस होटल के अंदर सफदर अवान साहब थे वो अपने कमरे में थे और बेगम सफदर अवान साहिबा अपने कमरे में थी। इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होकर सामने आ जाएगी। पहले दिन जो इन्होंने अपने दो जरखरीद लोगों के जरिए से ट्वीट्स कराए, एक इनका खास पपेट है साबिक पैमरा का चेयरमैन अफसार आलम, उसने ट्वीट किया जो चिटखनी और जो हथी इसने दिखाई होटल की वो दरवाजा और वो कुछ और था, और एक दूसरा इनका खास मुलाजिम है मैं नाम नहीं लूंगा, उसने ट्वीट किया एग्जैक्ट उसी टाइम वो दरवाजा और वो हथी कोई और थी। यार कुछ झूठ के और फ्रेब के और फ्रॉड का कोई सरपाव नहीं होता। और फिर जिस इज्जत और एहतराम के साथ सिंध पुलिस की गाड़ी में अकेला उसको लेके वीडियो सारे टीवी चैनल दिखा रहे हैं, अगली सीट पे बैठा के साहब बहादुर को लेके गए, तो जनाब अगर बकौल इनके रेंजर्स आई और जनाब उसने आके अटैक कर दिया, दरवाजा तोड़ दिया, तो उस पूरी वीडियो के अंदर सारे लोग नजर आ रहे होते। फिर दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बेगम सफदर अवान साहिबा वो शख्सियत है
जो टोटल सोशल मीडिया की लीडर है, सारी दुनिया जानती है, वो तकरीर कर रही होंगी तो हाथ में मोबाइल, तकरीर करते हुए भी जो है ना वो खुद जनाब फोटोज ले रही होंगी, वो मीटिंग में बैठी होंगी फोटो ले रही होंगी, वीडियो बना रही होंगी, वो जिस हालत में होंगी जनाब वो वीडियो और फोटो बना के फौरन ट्वीट कर रही होंगी। तो ट्विटर मलका है, मलका है ट्विटर, उसके अलावा तो उनका और कोई काम नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि वो चादर चार दीवारी डिस्टर्ब हुई होती और बेगम सफदर अमान साहिबा के कमरे को जो है वो दरवाजे को तोड़ा गया होता और उन्होंने फोटो ना बनाई होती, उन्होंने अपने मोबाइल के जरिए से फौरन फुटेजेस ना बनाई होती और फुटेजेस बना के चलाई ना होती। वो तो जजेस की जना वीडियो बना लेती हैं, वो तो मुखालफीन की जो है वो वीडियो बनाने की जनाब बड़ी माहिर और जनाब कारीगर और फनकार और घुड़सुर रखने वाली और जनाब सलाहियत रखने वाली खातून है। तो क्या अक्ल ये मानती है कि उस टाइम वकूए के वक्त अगर बेगम सफदर अवान साहिबा के कमरे के अंदर ये सारी तोड़ फोड़ या कोई हंगामा या कोई अटैक या कोई रश, चाहे पुलिस का था चाहे किसी का भी था, हुआ होता और बेगम सफदर अवान साहिबा ने वीडियो या फुटेज ना बनाई होती और उसको सोशल मीडिया पे ना चढ़ाया होता, तो जनाबे वाला मैं दावे से कहता हूं अभी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चल जाएगा सफदर अवान साहब अपने कमरे में थे, बेगम सफदर अवान साहिबा अपने कमरे में थी और यहां पे ड्रामा रचाया जा रहा है जनाब चादर चार दीवारी डिस्टर्ब हो गई। तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मजारे कायद की कोई चादर चार दीवारी नहीं है, मजारे कायद की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मजारे कायद का कोई एहतराम नहीं है, मजारे कायद और बाबाए कौम का कोई एहतराम नहीं। एहतराम है तो आईजी सिंध का है, एहतराम है तो सफदर अवान का है। और इस इशू के ऊपर आखिरी बात, कहते हैं सफदर अवान साहब मैंने वहां पे मादरे मिल्लत के नारे लगवाए, आज ये भी मैं पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रख दूं, ये पागल सरफिरा शख्स वहां पर मादरे मिल्लत जनाब अपनी जोया माजदा को समझ के नारे मार रहा था, ये पूरा वहां पे जो गैंग था ना, ये पूरा गैंग, ये सफदर अवान वहां पे सारों को अपनी जोजा माजदा को मादरे मिल्लत करार देकर जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। पकड़ा गया तो कहता है जनाब मैं मादरे मिल्लत फातिमा मोहतरमा फातिमा जिना की जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। तो मैं समझता हूं कि लोगों को बेवकूफ मत बनाओ, ठीक है जी। बाकी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है, इंक्वायरी सामने आएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट इशू, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आज पाकिस्तानी कौम के सामने इस आले शरीफ की और नवाज शरीफ साहब की, इस बेगम सफदर अवान साहिबा की जो पाक फौज और उसके अदारों के खिलाफ जो एक बोगज और कीना और अनाद है, सारी दुनिया सोचती है, हम भी बैठकर सोचते हैं यार आखिर क्या वजह है, इनका पहला दौर इनका दूसरा दौर उसके अंदर जो जो इन्होंने किया मुझे दोहराने की जरूरत नहीं, इनका जो आखिरी दौर था स्टार्ट हुआ 2013 के अंदर अफगानिस्तान की अफगान आयरन एंड स्टील कंसोर्शियम कंपनी, उसका और इंडियन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनका और सजन जिंदाल, इन तीनों का एक माहिदा हुआ 1,80,00,000,000 टन खाम लोहा सूबा बामियान जिला हाजी काग, वहां पर ये जखायर थे, इन्होंने आपस में माहिदा किया, माहिदा करवाने में हामद करजई का एक भरपूर किरदार था, माहिदा हो गया, लाइसेंस मिल गया इंडिया को, सजन जिंदाल को, ये 2013 की बात है। 2014 में मई 27 मई को मोदी की तकरीब हलफ बरदारी थी वजीर आजम की, नवाज शरीफ साहब वहां पर गए और बिन बुलाए गए थे, ये भी ऑन रैकेट है, फिर एंड टाइम पे इन्होंने वहां पे मिन्नत करके कहा कि जनाब मुझे जनाब इनविटेशन भेज दें, वरना एंड टाइम पे इनविटेशन आया था, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और इंडिया इस बात पे राजी नहीं थे, लेकिन इनके अपने तजारती मफादात थे, ये वहां जाना चाहते थे, ये वहां पर गए, वहां पर गए तो तकरीब के फौरन बाद जब वहां से निकले हैं तो पाकिस्तान के हाई कमीशन ने इनको कहा कि हुरियत कॉन्फ्रेंस के कश्मीरी रहनुमा
आए हुए हैं और आपसे मुलाकात के इंतजार कर रहे हैं। रवायत के मुताबिक कि जब भी कोई पाकिस्तान का सदर या वजीर आजम आता है तो पाकिस्तानी हाई कमीशन में उनकी मुलाकात होती है। इन्होंने कहा, इनकार करते हुए, कि ये मैंने मुलाकात नहीं करनी। सीधा गए हैं सजन जिंदाल के पास अपने बेटे को लेकर, वहां पर बैठ के सारे मामला तय हुए। वो 1,80,00,000,000 टन खाम लोहा 60 ग्रेड का, दुनिया के अंदर आयरन और स्टील के जितने कैटेगरीज हैं 60 ग्रेड का लोहा सबसे मजबूत, सबसे इफेक्टिव, सबसे आला क्वालिटी का होता है और यह बुनियादी तौर पर सबसे बेहतरीन जदीद असले के इस्तेमाल और असले के तैयारी में जो इस्तेमाल होता है। इन्होंने वहां पर अपने मामला तय किए, टर्म्स एंड कंडीशंस तय की अपनी पार्टनरशिप की। वापस आए हैं, वापस आके पहला काम इन्होंने किया कि FWO के चेयरमैन को बुला के कहा कि सुबह बामियान से लेके पेशावर तक मोटरवे की तर्ज की जनाब बेहतरीन सड़क बनाने का PC1 बनाया जाए। उनके कान खड़े हो गए, उनका जी कोई दूर दूर तक ना लेना ना देना ना मामला ना कोई जरूरत पाकिस्तान की रियासत की, पाकिस्तान की। सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चीज तो सारी पता चल गई। उन्होंने जनाब अपनी रिपोर्ट दे दी कि ये मंसूबा फिजिबल नहीं है। बड़ा सिखपा हुए उस वक्त जो वजीर आजम थे नवाज शरीफ साहब, वहां से एक क्लैश स्टार्ट हुआ। बुनियादी एजेंडा ये था कि वो 2 या 2 अरब टन लोहा था और कोयले के जखायर थे। वो सजन जिंदाल और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और मोदी से तय हुआ था कि वो ये रोड बनेगी, इस रोड के जरिए से पेशावर, पेशावर के जरिए से मोटरवे से होते हुए लाहौर और वाघा बॉर्डर से जनाब इंडिया जाएगा और इंडिया की 45 असला साज फैक्ट्रियां थी, उस फैक्ट्रियों के अंदर यही लोहा 60 ग्रेड का 60 ग्रेड का वो इस्तेमाल होगा। और मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से पूछूंगा, इंडिया ने ये असला किसके खिलाफ इस्तेमाल करना है या करना था? इंडिया ने बरतानिया के खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ या अफगानिस्तान के खिलाफ? ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना था। पाकिस्तान के अदारों ने उसकी ये आखिरी दौर की, ये जो पहला बहुत बड़ा मुल्क दुश्मन दुश्मनी के ऊपर मबनी और अपनी तजारत को फरोग देने के हवाले से वतन से और अपनी सरजमीन से और अपनी धरती मां से बेवफाई करने की जो पहली इसकी प्लानिंग थी, उसके रस्ते में हर्डल बने और यह मंसूबा नाकाम किया। और जिंदाल के लिए और इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो रशिया के जरिए से जनाब वो लोहा और वो कोयला लेकर आए, उसकी फिजिबिलिटी जो है वो डिफ्यूज हो जाती थी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैंने बीसी और सैकड़ों वजूहात जो दूसरे दौर के अंदर, उसमें से ये पहला एक मैंने आपके सामने वजह रखी है। आज पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से इंडियन चैनल्स, आज सारे पाकिस्तान के अंदर एक मीडिया के अंदर खबर चल रही थी कि इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिसर्च ने एक पूरा एनालिसिस पेश किया है कि पिछले 36 घंटे या पिछले एक हफ्ते या स्पेशली 2018 के इलेक्शन के बाद से लेकर अब तक इंडियन मीडिया किस तरीके से 5th जनरेशन वार को एडवांस करते हुए, एनहांस करते हुए, CPAC के खिलाफ, जनरल आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ, PTI की हुकूमत के खिलाफ, इंडियन फौज के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ किस किस अंदाज से जो है वो फ्रंट फुट पे आके लड़ रहा है, जो पहले नहीं था। और खसूसन जब से ये मिक्स अचार पार्टी PDM 20 सितंबर से बनी है, उस वक्त से लेके अब तक ये हर रोज ईंधन फराहम करते हैं, जो स्पेशली ये जो IG सिंध और मजार कायद का और सफदर अवान का इशू है, ये रोजाना का जो ड्रामा, सुबह 9 बजे एक फनकार आता है, 10 बजे दूसरा अदाकार आता है, 11 बजे तीसरा कलाकार आता है और जनाब इसी तरीके से 6 बजे तक इन सारे नौसरबाजों की एक लंबी फहरिस्त होती है। सुबह 9 बजे आते हैं खरबों डॉलर की करप्शन के नैब केसेस के अंदर।